हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक मेटल एंड माइनिंग का एक ऐसा पैनी शेयर लेके आया हूं जो ऑलरेडी 50% करेक्शन में है और कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा ये पैनी शेयर है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स कहते हैं, क्या बैलेंस शीट कहते हैं, कितना कर्जा है और क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स कहते हैं और क्या इस शेयर का नाम है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो देखिए, कहीं ना कहीं पैनी शेयर्स के अलावा जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उनमें भी जो है एकदम से उछाल आप लोगों को इस टाइम देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं माइंडट्री की बात करूं तो एक हफ्ते के अंदर जो है स्टॉक 200 रुपये तक का जंप दिखा चुका है, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं। और इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं सभी में हमें पॉजिटिव एनर्जी इस टाइम देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 6 महीने से गिर ही रहा था और अब जाके मार्केट जो है उठते हुए हमें देखने को मिल रहा है। लगातार 2 वीक जो है मार्केट में हमें तेजी देखने को मिली है, या इस वीक भी जो है मार्केट में तेजी रही और पिछले वीक भी जो है मार्केट में तेजी रही। तो एक अच्छे खासे जो है शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, बढ़िया स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिवेन्यू जो है जनरेट किया जा सकता है। और इसीलिए मैं आज लोगों के लिए ऐसा ही पैनी शेयर लेके आया हूं। तो चले, सबसे पहले अगर इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 527 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस स्टॉक का 23.60 रुपए चल रहा है। 52 वीक हाई की मैं अगर बात करूं तो 38 रुपए का 52 वीक हाई है। तो लगभग 45% के आसपास की करेक्शन है स्टॉक के अंदर। अगर 52 वीक लो की बात करूं तो लगभग 10 रुपए का 52 वीक लो है। स्टॉक पीई की बात करूं तो 9.26 और बुक वैल्यू जो है स्टॉक की वो 7.87 हमें देखने को मिल रही है। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। आरओसी देखें आप 51.5% और आरओई जो है 38.8% है। फेस वैल्यू स्टॉक की 1 है, यानी कि आरओसी और आरओई से एक चीज़ जरूर समझ आ जाती है कि कंपनी जो है वो अच्छा खासा रिवेन्यू, अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर रही है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है इस टाइम। हमें ये चीज़ आरओसी और आरओई से समझ आ चुकी है। वहीं अगर कंपनी की मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो देखिए, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और कंपनी की जो CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर्स की लगभग 60% की हमें देखने को मिल रही है। कंपनी की कमियां जो है सिर्फ एक ही है कि कंपनी जो है डिविडेंड अच्छा नहीं दे रही है बिल्कुल भी, क्योंकि कंपनी जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारा का सारा कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रही है ताकि कंपनी को नए मुकाम तक लेके जाया जा सके। और कंपनी का डेप्ट देखिए आप, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है, कंपनी ने डेप्ट खत्म कर दिया और कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो भी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन देखूं मैं तो कोल इंडिया, वेदांता, NMDC, मोयल, संदूर मैगनीज, यानी कि टॉप की जो मेटल एंड माइनिंग की कंपनीज हैं उनके साथ में जो है हमें स्टॉक का पीयर कंपैरिजन भी देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का नाम है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। देखिए, इनकॉर्पोरेटेड इन 2011, श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग फेरोअलॉयज लाइक फेरोसिलिकॉन मेनली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। द बिजनेस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टार फेरो एंड सीमेंट लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ डे डिमर्जर स्कीम इन 2014, यानी कि डिमर्जर हुआ था कंपनी का 2014 के अंदर और उसके बाद से जो है कंपनी का नाम श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड यहां पे रख दिया गया था। और कंपनी में जो एक अच्छी खासी तेजी इस टाइम आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर मैं इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करूं तो फेरो एलॉयज से जो है 100% इसका जो है बिजनेस सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू जनरेशन जो है फेरो एलॉयज से होता है, अलॉयज ऑफ क्रोमियम, मैग्नीज, सिलिकॉन एटसेट्रा यूज्ड इन स्टील मेकिंग एज एन एडिटिव फॉर इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील, यानी कि स्टील के अंदर जो आपको पता है फेरोलॉयज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करूँ तो देखिए, द कंपनीज प्लांट लोकेटेड इन मेघालय हैज ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 21,600 मैट्रिक टन्स पर ईयर, यानी कि एक अच्छा खासा प्लांट जो है इनके पास मेघालय में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और पावर जनरेटिंग का, यानी कि पावर जनरेशन का भी ये काम कंपनी करती है, 14 मेगावाट की जो है कंपनी जनरेट करती है। और जो कोल है, कोयले के थ्रू आपको पता है कि जो एक जरूरत होती है कि जो स्टील होता है उसको पिघलाने के लिए जो है कोयले की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको लेके भी जो है कंपनी का कामकाज अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी रिवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रही है, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो फेरोसिलिकॉन जो है सबसे ज्यादा जो है इसका सेगमेंट में जो है सबसे ज्यादा डिमांड जो है फेरोसिलिकॉन की रहती है। वहीं अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो देखिए, सस्टेनेबल सेल्स आपको एक 2019 दिसंबर में 16 करोड़ की सेल्स आज बढ़कर 61 करोड़ की हो चुकी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां नेगेटिव था 2019 में आज बढ़कर 28 करोड़ का हो भी चुका है।
वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 29 करोड़ 21 करोड़ कंपनी अच्छे खासे मुनाफे की तरफ एकदम से काम कर रही है। अगर सेल्स की ईयर टू ईयर बेसिस पे मैं बात करूँ तो क्वार्टर फोर के अंदर जो रिजल्ट्स आए थे उसमें 207 करोड़ का जो है कंपनी ने सेल्स किया था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए जहाँ पिछले साल के मुकाबले 13 करोड़ से बढ़कर एकदम से 74 करोड़ की जो है टोटल प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुका है, बहुत ही शानदार जंप है। नेट प्रॉफिट जो है 57 करोड़ का देखने को मिला था। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए आप 62%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप 184% और CAGR जो है 28%, यानी कि कंपनी की सेल्स जो है बहुत ही बढ़िया है, कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। ये मैं चीज आपको ROC और ROE देख के ही बता चुका हूं पहले भी। अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स देखें आप, कंपनी के पास 153 करोड़ के रिजर्व्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और बोरिंग्स देखें कंपनी के ऊपर तो सिर्फ 1 करोड़ की है, यानी कि कंपनी बहुत बड़ी तेजी के साथ जो है आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके चलना है स्टॉक को। अगर टोटल एसेट्स की बात करूँ तो लगभग 193 करोड़ के टोटल एसेट्स जो हैं हमें श्याम सेंचुरी के पास देखने को भी मिल रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 52% के आसपास, और पब्लिक की होल्डिंग जो है लगभग 48% है। FII की होल्डिंग 0.23% देखने को मिल रही है, और आने वाले में देखिए जिसको भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना श्याम सेंचुरी के अंदर तो कम से कम 2 साल का टारगेट लेके चले, 2 साल में ये स्टॉक आपको कम से कम 3-4 गुना होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, और एक बहुत बढ़िया मुनाफा जो है आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है मेटल एंड माइनिंग का देते हुए देखने को मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।